हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट भी क्रिएट की गई है, तो आप चैनल पर विजिट करके वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं प्लेलिस्ट की कैटेगरी में जा करके। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और देखिए नंबर क्या है, 2, 65, 7, 59, 12, 53। देन यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी है क्वेश्चन मार्क। आपको इसकी वैल्यू को निकालना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इस तरह को क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और साथ ही साथ दूसरा मैथड है ये कि देखिए प्रैक्टिस तो करनी है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर है 2 के बाद 65 दिया है और फिर 7, 59, 12 एंड 53। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक अगर आप यहाँ पे जाते हैं 2 से 7, 7 से 12, फिर यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है, जो नंबर हमें पता करना है। सेकंड आप देखते हैं 65, 59 से उसके बाद यहाँ 53, देन यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क है, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं कि 2 से 7, 7 से 12, फिर यहाँ पे क्या होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 में अगर आप +5 करते हैं, यहाँ पे +5 करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा 7, ठीक है। 7 में +5 करते हैं तो हमारा आता है 12, 12 में +5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 17 यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल आपको 17 2 ऑप्शन में दिख रहा है, सी और बी में, ठीक है। आपका एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ए, यानी कि या तो आपका आंसर होगा ए, या तो आपका आंसर होगा बी या तो सी। आगे हम लोग चेक करते हैं क्या है। आगे हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है कैसा, 65 से जा रहा है 59, 59 से जा रहा है 53। अगर देखिए 65 में से अगर हम लोग -6 कर देते हैं, 65 से अगर हम लोग -6 करते हैं तो हमारा आता है 59, ठीक है। यहाँ पे फिर से साफ साफ देख लीजिए, 65 में अगर हम लोग यहाँ पे -6 कर देते हैं तो हमारा आता है 59, 59 में फिर से अगर हम लोग -6 कर देते हैं तो यहाँ पे आता है 53, यानी कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, -6 करना है। तो आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 53 में से हम लोग 53 में से यहाँ पे -6 करेंगे तो जो हमारा माइनस करने पर आएगा तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 में से 7 गए तो क्या आएगा, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -6 करना है, 7 नहीं -6, वेट एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 65 में से -6 किया हमने तो -6 किया तो 59 आया, 59 में से 6 किया तो हमारा आया 53। अब हम 53 में से -6 करेंगे तो 13 में से 6 हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। और यहाँ पे 4 यानी कि 47, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आएगा 47 और यहाँ पर आएगा हमारा 17। तो मैंने आपसे कहा था कि ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, या तो सी होगा या तो बी होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, हुआ ऑप्शन नंबर सी, 17 एंड 47, ठीक है। यहाँ पे आएगा 17 और यहाँ पे आएगा 47। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कोड लैंग्वेज में कैपिटल को CPATILA लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में, उसी कोड लैंग्वेज में पर्संस को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटल को यहाँ पे जो दे रखा है, एक सेकंड, CAPITAL, ठीक है। कैपिटल को यहाँ पे CPATILA कैसे लिखा गया है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो देखिए सी को एज इट इज़ सी ही लिखा गया है, मगर यहाँ पे AP को PA लिखा गया, यानी कि ये रिवर्स हो गया है, ठीक है, रिवर्स हो गया है, ठीक है। और इसी तरह IT को, ये IT को TI लिखा गया है, देखिए TI, और AL को LA लिखा गया है,
यानी कि पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, पैटर्न फॉलो हुआ है आपका सी एज इट इज सी रहेगा, ठीक है। ए पी को पी ए, आई टी को टी आई और ए एल को एल ए लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना आंसर निकालने के लिए क्या दे रखा है, पर्सन पी ई आर एस ओ एन एस, ये कैसे आएगा देखिए। सबसे पहले पी को एज इट इज़ पी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ई आर को आर ई लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एस ओ को ओ एस लिख देना है। उसके बाद एन एस को एस एन लिख देना है, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, पी आर ई ओ एस एस एन। ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, पी आर ई ओ एस एस एन, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी कूट भाषा में गेव को 8237 लिखा जाता है और बैट को 924 लिखा जाता है तो गेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें जो है हमें अलग अलग देखना नहीं है, बस जो अक्षर का जो कोड है उसी तरह सॉल्व करके हमको गेट का आंसर ला देना है। तो जी की यहाँ पे हमें किस किस अक्षर का कोड चाहिए, जी ए टी ई का, ठीक है। तो जी का कोड यहाँ पे क्या है, 8 है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी का कोड क्या है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। उसके बाद ए का चाहिए, ए का कोड यहाँ पे 2 है, ए का कोड यहाँ पे है 2। फिर हमें टी का चाहिए, टी का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, 4, टी का है 4। उसके बाद है ई चाहिए, तो ई का कोड यहाँ पे दे रखा है 7, तो ई का है यहाँ पे 7। फिर से मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरह में अलग अलग हमें चेक नहीं करना है, सेम जैसे लिखा है वैसे ही चेक कर लेना है, ठीक है। गेव बैट के ही अकॉर्डिंग हमें गेट का आंसर ले आना है। तो जी का मैंने आपको बताया क्या आया, जी का यहाँ पे साफ साफ देखिए जी की जगह पर 8 लिखा है, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। ए की जगह देखिए, ए की जगह यहाँ क्या लिखा है, ए की जगह यहाँ पे 2 लिखा है, ए की जगह देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। उसके बाद टी की जगह यहाँ 4 लिखा है, और इसी तरह ई की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, ई की जगह देखिए ये ई की जगह यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो ई की जगह हो गया 7, तुम्हारा आंसर आ गया 8247, ठीक है। 8247 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन 8247 सी में, तो ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखिए चाहें तो जीके ओशन का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे साइंस और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के क्विज भी हैं और स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अगर 6 को 21 लिखा गया है तो 3 को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आसान क्वेश्चन है, एनालॉजी का है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 6 को 21 लिखा है तो 3 का क्या लिखा जाएगा, देखिए ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम लोग 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 18 हो जाएगा, और 18 में प्लस 3 कर दें तो हमारा 20 आ जाएगा, तो देखते हैं हमारा यहाँ पे पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं। यानी कि 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 में प्लस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। जो कि ऐसे हमारा आंसर किसी भी ऑप्शन में 12 नहीं दिख रहा है, तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, देखिए सीधे मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए यहाँ पे वेट 6 में अगर हम लोग 15 ऐड करते हैं, 6 में अगर हम लोग 15 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, 21। इसी तरह 3 में अगर हम लोग 15 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। फिर से बताती हूँ, 6 में अगर हम लोग प्लस 15 करते हैं तो 21 आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरह 3 में हम लोग प्लस 15 करेंगे तो 18 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, वहाँ से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखिए डायरेक्शन यहाँ पे होता है ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम और ईस्ट मतलब पूरब, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, आई होप आपको पता भी हो। देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट
ईस्ट, अब एक सब डायरेक्शन होता है, सब डायरेक्शन में क्या होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में चलता है। मान लीजिए ये राकेश है, ठीक है, ये किसी बिंदु से दक्षिण मतलब इस साइड चल रहा है कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर, और वहाँ से बाएँ मुड़ता है, बाएँ मुड़ेगा किस साइड आपको पता है, बाएँ 6 किलोमीटर मुड़ता है, यहाँ से बाएँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से दक्षिण से बाएँ हो रहा है, ऐसे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 11 कितना 6 किलोमीटर, उसके बाद वहाँ से पुनः बाएँ मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, पुनः ये बाएँ मुड़ा तो 4 किलोमीटर चला, ठीक है, 4 किलोमीटर चला इधर से। तो अब उसका मुख आप देख रहे हैं किस दिशा में है, उसका मुख है नॉर्थ दिशा में यानी कि उत्तर दिशा में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।